एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ससुराल से आ चुकी हूं और यहां पे छठ पूजा है आज। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और आज है खरना, मतलब छठ पूजा 3 दिन का होता है, तो आज से स्टार्ट है, आज खरना है। उसके बाद कल सायंग अर्घ होगा, उसके बाद मॉर्निंग वाला जो अर्घ होता है वो होगा। तो 3 दिन का ये व्रत उपवास है और पूजा विधि मैं आपको हर चीज़ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। इसके पहले का ब्लॉग अगर आप लोग देखते होंगे, मुझे फॉलो करते होंगे, तो मैंने कई बार डाला हुआ है यहाँ का ब्लॉग छठ पूजा का। मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो रहते हैं, तो बस हम लोग घर से आ गए हैं और इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए वहाँ से कि हमें यहाँ पे अर्घ भी देना है और आपको शेयर भी करना है छठ पूजा ब्लॉग। तो बस आस्ते में शुरू कर रही हूँ, तो बस हम लोग छत पे जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने इस तरीके की रेड रेड से साड़ी पहन ली हुई है क्योंकि पूजा में रेड और येलो ज़्यादा पहनते हैं लोग। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं चल रही हूँ ऊपर। ऊपर क्या होगा, जैसे होगा जो होगा मैं शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये तो था मेरा पूरा लुक जो मैंने पहना हुआ है। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, तो भाभी तैयारियाँ कर रही हैं। यहाँ पे खीर बनती है दो तरीके की, एक फीकी खीर होती है, गुड़ की खीर होती है, और जो दोस्ती वाला पराठा होता है वो होता है। बहुत लोग रोटियाँ भी बनाते हैं, बट भाभी जो बना रही हैं मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। तो बस दो कटोरी में जो फूल की कटोरी होती है, मतलब पीतल की, तो उसमें चढ़ाया जाता है। तो नीचे जो फीकी खीर है उसको चढ़ा के ऊपर से गुड़ वाली खीर चढ़ाई जा रही है। और उसके बाद जो पूड़ियाँ, मतलब सॉरी पराठे बने हुए हैं, उनको चढ़ाया जाएगा, मतलब भोग लग रहा है। और उसके बाद पान का पत्ता है, ये सब जो भी है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि मैं यूपी से हूँ और भाभी बिहार से हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो मैं जो जो भी है शेयर करती हूँ। अब धीरे धीरे मैं भी जानने लगी हूँ कि 3 से 4 साल हो गया है तो मैं भी छठ पूजा में सम्मिलित होती हूँ, तो बहुत चीज़ें पता हो चुकी हैं जो मुझे नहीं पता थी। तो बस भैया भी आ गए हैं रेडी होके, भैया ही पूजा करते हैं छठ पूजा। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में न्यू हैं तो मैं बता दूं, जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, मतलब भैया हैं, तो वही पूजा करते हैं छठ पूजा, भाभी उनके साथ उनका हेल्प करती हैं। तो बस भैया चंदन टीका अपना जो भी है लगा के शुरू कर रहे हैं पूजा का विधि विधान। तो अर्घ देते हैं दूध से और उसके बाद पानी से, उसके बाद मतलब और लेडीज़ भी जो आई हैं वो भी अर्घ देती हैं बारी बारी से। तो बस यहाँ पे भैया पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह दीपक उपक जो भी है नॉर्मल पूजा जैसे हम लोग करते वैसे ही होता है, कुछ कुछ पूजा थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी इर्द गिर्द की सब लेडीज़ आई हुई थी वो सब भी अर्घ दे रही हैं भैया के देने के बाद। उसके बाद भैया के जो बेटे हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, कोटा रहते हैं, तो वहाँ से वीडियो कॉल पे भाभी दिखा रही हैं कि आप भी दर्शन कर लो। और ये भाभी हैं, भैया भाभी यही हमारे लैंडलॉर्ड हैं दोनों, तो फिर वही सब पूजा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है क्योंकि दरवाज़ा बंद करके भैया कुछ अंदर पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ जो छठ पूजा का सॉन्ग होता है वो लेडीज़ गा रही हैं। बहुत लोग यहाँ की हैं तो उन्हें नहीं आता, और जो लोग बिहार साइड की हैं वो सब गा रही हैं, लेकिन ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो हम लोग गवा देते हैं। अरे भाभी लंबी लंबी कर लंबी 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 के करा के जाए। और उसी बीच भैया की जो पूजा चल रही थी अंदर वो भी संपन्न हो चुका है। और जो प्रसाद मैंने अभी आपको दिखाया था वही प्रसाद सब में बढ़ता है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है। लेडीज़ लोग सब मिलके लगा रही हैं, मैं भी लगाती हूँ, मैं भी हेल्प करती हूँ, बट मेरे हाथ में फ़ोन था, मुझे सूट भी करना था, इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन और दो लोग थे, इनफ थे, नहीं तो मैं ज़रूर करती। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रसाद बट रहा है और यही प्रसाद मेरे भी हाथ में आता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रसाद खाइए और खरना का। और ये देखिए इसमें है दो पराठे हैं और एक फीकी खीर है, एक गुड़ की खीर है, बहुत ही यम्मी प्रसाद था ये। और फिर ये दूसरे दिन का शाम का है, मैंने बीच में ज़्यादा वो गैपिंग नहीं किया है, शाम का मैं अब सीधे आई हूँ आपको। दूसरे दिन जो सायंग अर्घ होता है ये सब प्रसाद यहाँ पे सेट हो चुका है। इसकी पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा जब छठ पूजा का मैंने हर चीज़ शेयर किया हुआ है जाके कि क्या क्या सूप में रखा जाता है, तो इस बार मैं वो नहीं शेयर की हूँ, पूरा सूप ही आपको दिखा दी हूँ।
तो अब धीरे धीरे ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। भैया भी आ चुके हैं, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो सब हो रहा है। गंगा जल जा रहा है, गंगा जल का अर्घ होता है, फिर दूध का अर्घ होता है, सब तैयारियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और लेडीज़ भी आ गई हैं और कुछ भैया के ऑफिस के भी उनके फ्रेंड वगैरह आए हुए थे। और ये मैं हूँ, मैंने इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी थी, सब अब निकाल निकाल के यूज कर रही हूँ, आखिर होगा क्या। तो अब ऊपर सब लोग जा ही रहे हैं और हम लोग भी ऊपर चलते हैं। सूर्यनारायण भगवान डूबने वाले हैं, उनके डूबने से पहले ही अर्घ देना है, तो फटाफट सब लोग अपना अपना सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। हम लोग ने भी फल चढ़ाया हुआ था और यहाँ पे देखिए सूर्यनारायण भगवान कितने अच्छे से दिख रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे पूजा अब शुरू होने वाली है, भैया पानी में आ गए हैं। यहाँ पे एक इस तरीके का बॉक्स बनाया गया है, इसी बॉक्स में हर साल भैया पूजा करते हैं पानी भर के, और भाभी उनका पूरा हेल्प करती है। इनके बच्चे, मतलब एक बच्चा है वो यहाँ पे नहीं रहता, अन्यथा वो भी रहते थे जो हेल्प करते थे साथ में, बट खलता है, मिस हम लोग करते हैं, उनका नाम कृष्ण है तो उनको मिस हम लोग हमेशा करते हैं, वो रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई नहीं, जहाँ भी हैं सुखी और स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हाथ में टीका करके उसके ऊपर एक पान का पत्ता रखा जाता है और फिर यहाँ पे फूल रखा गया है। सब लेडीज़ भी धीरे धीरे आ रही हैं और अब एक डलिया जो भी है एक एक करके एक सूप लेके खड़े रहेंगे भैया, और उसमें अगरबत्ती वगैरह जो भी है सब आप लोग देख ही सकते हैं। फल भी है, फल कई प्रकार का चढ़ता है, जितना अपने सामर्थ्य के ऊपर है आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब बारी बारी से लोग अर्घ दे रहे हैं। सबसे पहले भाभी ही देती हैं अर्घ, पहले पानी का, उसके बाद दूध का, पाँच पाँच बार दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए अब बारी बारी से जितने भी लोग आए हैं सब अर्घ दे रहे हैं। ये भैया के ऑफिस के हैं, फैमिली है इनकी, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग घाट पे नहीं जाते, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, और लोग घाट पे भी जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सब अपना बारी बारी से कर रहा है अर्घ और हम भी अभी देंगे। मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग देखते रहिए और दर्शन भी करते रहिए। और इस बार अच्छा ये हुआ था कि किट्टू के पापा भी हम लोग के साथ ही अर्घ दे लिए थे, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ गया था तो छठ पूजा में सब जेंट्स भी फ्री थे, आराम से सब अर्घ देते थे, नहीं तो अकेले मैं ही देती थी। और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार मुझे लगता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा त्यौहार जिसमें डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाता है और उगते हुए सूरज का पूजा किया जाता है। और ये ऐसे भगवान माने गए हैं कि वो साक्षात दिखते हैं सबको, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, एक अलग सी एनर्जी आती है इसके सॉन्ग से ही, इसके सॉन्ग भी बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। तो आप लोग का छठ पूजा कैसा गया, क्योंकि ये ब्लॉग छठ पूजा के लास्ट अर्घ के दिन ही जाएगा, एक दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद जब भी जाएगा, तो आप लोग बताएगा आप लोग का छठ पूजा कैसा गया। तो ये शाम का पूजा हो गया है, संपन्न भैया निकल गए हैं, अब हम मिलते हैं अगली मॉर्निंग। तो जो भैया का ये धोती था यहाँ पे मतलब डाला गया सूखने के लिए, तो यहाँ पे एक तितली बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को, ये भी एक शुभ साइन है। सुबह हो चुकी है और ये है लास्ट अर्घ। आज मैं तीन दिन का ब्लॉग शेयर कर रही थी, तो आज लास्ट अर्घ है, शाम का अर्घ था और आज मॉर्निंग का अर्घ दे के ये पूजा का समापन हो जाएगा आज। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने इस तरीके की एक रेड रेड साड़ी पहन ली हुई है, और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे इस बार दिया है, बहुत सालों बाद मैंने उनसे एक साड़ी ली है, क्योंकि मैं उनसे लेती नहीं हूँ, बट हाँ मुझे आज इस बार अच्छी लगी, मैंने ये साड़ी ले ली थी सासू माँ से। तो बस कैसी लग रही बताएगा जरूर। अब हम लोग चल रहे हैं अर्घ देने, सुबह का अर्घ, आप लोग भी चलिए जल्दी जल्दी अर्घ दीजिए। और ये ब्लॉग जाएगा आज शाम तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आज शाम तक ये पोस्ट कर दूंगी। तो आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का छठ पूजा कैसा गया, और जल्दी जल्दी चलिए हमारे साथ अर्घ दीजिए। और हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं, अभी हल्का हल्का सा अंधेरा था, बट 6 बजने वाला था, लेकिन ठंडी का टाइम है इसलिए अंधेरा लग रहा था। और हमारे बगल में जो बच्चे हैं वो सब भी आ गए हैं, ड्रेस पहन के स्कूल जाने वाले थे तो आ गए दर्शन, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं दर्शन करने में।
और यहाँ पे देखिए भैया भी आ गए हैं। और यहाँ पे जो ये गन्ने का मंडप बना है, इसके चारों कोन को मतलब कोने पे इस तरीके जो थ्री लाइन आप देख रहे हैं नीचे, इस तरीके से बनाया जाता है और चारों कोने पे दीपक जलाया जाता है। और उसके भैया उसके बाद भैया अंदर जा रहे हैं। आज थोड़ा सूरज भगवान हम लोग को वेट करवाए हैं, निकल तो वो टाइम से ही गए थे बट बादल की वजह से दिख नहीं रहे थे तो बहुत ज़्यादा लेट तक वेट करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से फल फ्रूट यहाँ पे चढ़ाया गया सारा जो आप देख रहे हैं सबको, बारी बारी से भैया हाथ पे लेके मतलब कि भोग लगाएंगे सूर्यनारायण भगवान को। और इतने लोग यहाँ पे आ चुके थे, ठंडक बहुत था बट ठंडक के बीच में भी एक दर्शन का जो एक क्रेज़ होता है वो अलग ही था। मतलब बिल्कुल भी ठंडा पता नहीं चल रहा था छठ मैया की कृपा से। यहाँ पे लोटे में देखिए दूध भी रखा है अर्घ देने के लिए। तो सूर्यनारायण भगवान निकले जरूर हैं बट दिख नहीं रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो ये हुआ कि पूजा शुरू कर दी जाए, क्योंकि और जगहों पे पूजा हो चुकी थी, सूर्यनारायण भगवान निकले थे तो ही हुई होगी। तो यहाँ पे नहीं दिखे, यहाँ थोड़ा लेट से दिखे हैं क्योंकि यहाँ बादल था तो बस पूजा हो गया। जो भी प्रोसेस कल वाले अर्घ में हुआ था शाम को, बस वही यहाँ पर भी होने वाला है। भाभी सबसे पहले भैया के हाथ पर तिलक लगाती हैं, पान का पत्ता रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भी सूप में फ्रूट वगैरह हैं वो रहता है और यहाँ पर अर्घ दे रही हैं। बारी बारी से लोग अर्घ दे रहे हैं, पहले एक 5 बार पानी का मतलब जल का और उसके बाद दूध का 5-5 बार दिया जाता है। तो इतने मतलब जो फैमिली थी, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे जोड़े में दे रहे थे और जो सिंगल लेडीज़ थी वो अपना सिंगल दे रही थी। तो इनके ऑफिस के हैं ये सब और तो ये सब दे रहे हैं बारी बारी से अपना अर्घ। और उसके बाद ये देखिए ये है मेरी मतलब जो किट्टू की फ्रेंड है उनकी मम्मी है, गौरी की मम्मी। तो ये देखिए अभी जाके सूर्यनारायण भगवान हल्का हल्का सा दिखे हैं तो लोगों को दर्शन मिल गया, वही काफ़ी है। आज सूरज भगवान भी थोड़ा सा भाव खाए हैं, लेट से निकले हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ लेट से निकले हैं लेकिन अच्छा निकले हैं। तो अब सब लोग दर्शन यहाँ पूजन कर रहे हैं, सब लोग अर्घ दे रहे हैं बारी बारी से। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और छठ माता से मना लीजिए, जो भी आपकी मन्नत हो जरूर पूर्ण करेंगी वो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं और किट्टू के पापा भी आ गए थे, नीचे थे, इनको मैंने फ़ोन करके बुला लिया था कि कल शाम का हम लोग अर्घ दिए थे तो आज सुबह भी अगर आप यहाँ पे हैं तो दे लीजिए। वैसे इनको ऑफिस जाना था बट अर्घ दे के ही ऑफिस जाएंगे। किट्टू को मैं नहीं लेके आई ऊपर क्योंकि किट्टू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इनको फीवर आ गया था इसलिए सोई है वो, तो उसको बाद में मैं प्रसाद खिला दूंगी। और हम लोग अर्घ दे रहे हैं, बहुत ही लकी हम लोग जो हर बार अर्घ देने को मिल जाता है हम लोग को बस। और यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है संपन्न और बारी बारी से जो भी यहाँ पे फ्रूट चढ़ाए गए हैं सब हाथ में लेके भोग लगाएंगे भैया। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ क्या हो रहा है कैसे। और यहाँ पूजा हो गई है संपन्न, भैया पानी से निकल गए हैं बाहर। अब भाभी जो है इनका आशीर्वाद लेंगी और भैया सिंदूर से इनका मांग भरेंगे, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी लेडीज़ थी सब आके भैया का पैर छूते हैं क्योंकि कहा जाता है जो व्रत रहता है उसका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। और इस तरीके से अपने आँचल में प्रसाद लिया जाता है, जो अपने हाथों से वो दे दें वो बहुत लकी होता है इंसान जो पा जाता है। तो झोली फैला के इसमें प्रसाद लिया जाता है, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद सिंदूर दान हो रहा है, सिंदूर एक दूसरे को महिलाएँ लगा रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली ये वाला सिंदूर, तो मैं भी लगवाती हूँ अभी, ये सब लेडीज़ लगा रही, मैं सूट कर रही हूँ। और उसके बाद अब आएगी मेरी बारी और बहुत ही अच्छा लगता है, सारी लेडीज़ इतनी खुश थी आप लोग देख ही सकते हैं। और ये देखिए हमारी बगल की भाभी हैं और एक दूसरे को सब लगा रही हैं। और अब देखिए जो हमारी भाभी हैं वो हमको लगा रही हैं और हम उनको लगा रहे हैं। इसमें यही होता है कि मतलब एक दूसरे को लगाया जाता है माथे से लेके पूरे सर तक, बहुत लंबा सिंदूर लगाया जाता है इसमें। और ये देखिए हम लोग का हंसी मस्ती मजाक भी चल रहा था यहाँ पे इसी बीच में। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे नाश्ता खिलाया जाता है, जो भी लोग आते हैं पूजा में सम्मिलित होते हैं सबको नाश्ता कराया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई मतलब कि सूखे नाश्ते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना के ले जा रही हूँ देने के लिए। यहाँ पे एक भाभी हैं तो हम लोग मस्ती कर रहे थे कि आप नमकीन का ऐड कर रही हैं, तो बस वो हेल्प करा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी लेडीज़ बैठ के नाश्ता कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी बहाने सब लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे से मिलने का मतलब अवसर मिलता है, ऐसे सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, बस एक पूजा का एक ऐसा कुछ अवसर होता है जैसे हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो हमारी कॉलोनी की यही सब लेडीज़ हैं और
ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। फ्रेंड ये तो था मेरा पूरा छठ पूजा ब्लॉग, मतलब डे वन से लेके खरना से लेके मैंने शाम का अर्घ और मॉर्निंग का जो लास्ट अर्घ होता है वो मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है हर बार की तरह। तो आपको कैसा लगा बताएगा जरूर। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ।